लव स्टोरीज मैनू हमेशा तो ही लव स्टोरीज पढ़न दा ते लव स्टोरीज उत्ते बनिया फिल्मा वेखण दा बड़ा ही शौक सी। सोचती सी मेरी जिंदगी विच इना लव स्टोरीज ते हीरो वर्गा कोई मुंडा जरूर आएगा। किस्मत खराब, किसी नू भी प्रीति च कोई इंटरेस्ट नहीं सी। सोचती सी रब ने शायद मेरे लिए कोई लव स्टोरी लिखी ही नहीं। गलत सी मैं, रब ने अपने हाथों एक लव स्टोरी लिखी सी, सब तो वट ते सब तो सोनी, प्रीति राजवीर ते गुरलीन दी लव स्टोरी, साडी लव स्टोरी। स्टोरी का पहला चैप्टर उस दिन लिखा गया जो नाना जी नानी जी ते मम्मी गुरलीन दीदी नू मिलन उनादे होस्टल गए। दादा जी
आ गई गुरलीन पुत्र। दादी जी आए मेरे बच्चों। वाह वाह वाह, खुश रहे पुत्र। हेलो हुआ। हेलो बच्चे, यू आर लुकिंग हॉट। 1975 मिस चंडीगढ़। स्टाइल का मारना पैंदा है। रहंदे रहंदे 1975 मिस चंडीगढ़ चौथी पोजीशन पे आई सी। बीजी नु जेलसी हो रही है, चांस तो नहीं मिला। ओ जेलसी दी गल नहीं है, अपनी उम्र वेख एडे पटकीले रंग बड़े बड़े फूल ला लेंदी है। बस कर दियो, बस करो, भूल जांदी हो कि तुसी मामा थियां हो। पुत्र असी खुश खबरी तेनु देनी है। तेरा व्याह असी विक्रम नाल पक्का कर दिता। तेरा कॉलेज मुकिया ते तेरा व्याह होया। आपां वेले की गल है पुत्र, तू खुश नहीं है? नहीं। क्यों? क्यों? मेरी जिंदगी च राजवीर है। राजवीर? जी, चंगा मुंडा है, मैं ओदे नाल व्याह कराना। उने ते मैं असी कट्ठे होके बिजनेस शुरू करन दा प्लान कीता सी। दादा जी प्लीज तुसी एक बारी मैनू 50-60 लाख रुपया दे दो, नाले मैं अपना बिजनेस सेट कर लूंगी ते फिर व्याह भी कर लूंगी। थोड़ी टेंशन खत्म, फिर हो गए तुसी वेले। तू भी प्यो वाकण गल की थी। एक गल कन खोल के सुन ले, जे तू विक्रम नल व्याह करन लई सोचया ता घर मुलाई। जे तू उस 50 लाख वाले राजवीर नल करना है ता सानू भुल जाई। नाना जी, मैं थानू डरदे डरदे गल कहां। नाना जी, जे गुरलीन दीदी ने अपने लिए कोई मुंडा लभ्या है तो चंगा ही लभ्या होना है। रब तो दिता इन्ना कुछ है साडे कोल। मैं मानती हाँ सुरेंद्र मामा जी ने बिजनेस च बहुत पैसा रोलिया थोड़ा, पर पैसा रोलिया जेड़ी बदनामी हुई वो वक्री। ताही ता इस घर नूं विक्रम जे चंगे मुंडे दी लोड़ है। ते हो सकता है वो लोड़ राजवीर पूरी कर दे। नाना जी प्लीज उन्हों 50 लाख दे दियो। प्लीज प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ प्रीति। गुरलीन दीदी, तुसी कदों तो मेरे तो गल्ला लुकुनिया शुरू करतियां ने। ओहो, की हो गया, की लुकोया मैं? अच्छा, की लुकोया? चलो छड्डो, कंग्रेचुलेशंस, नाना जी ने 50 लाख ली। हाँ करती है। सच्ची? यस। नो, पहला मैनूं ए दसो साडे राजवीर जीजा जी है किद्दां दे। राजवीर जीजा जी कल मिलके दसांगी। कल? हाँ। ओके चलो ठीक है, आई विल वेट। बाय। यस। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਵਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕੋਮਾ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ
पर ये पता नहीं सी कि राजवीर जीजा जी नू दीदी ते एक्सीडेंट की खबर मिली सी कि नहीं। ना तो बड़ा सोना सी पर चीचा जी किदां दा हो? गुरलीन दीदी की पसंद एवे तो होनी नहीं है। बंदे च कोई तो गल होनी है, गल तो है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुसी कौन जी? मैं राजवीर। चीचा तो सुना है। फिट्टे मुंह तेरा, अजकल दिया कुड़िया नु चंगे मुंडिया दी पहचान ही नहीं है। कुछ खाएंगा पुत? सवेर दा भुखा होना तू? बेचारे ढिड वे चूहे नचरे होने ने। जी ओ दोपहरी ता आया, सवेरे घरों खा के टुरिया होना। नाना जी रहन दियो जी, जी नहीं करदा खाण नू। वैसे मैं लगता तुसी किते बाहर जा रहे सी। नहीं नहीं असी ते कर रहे हां। ओ मैन लगा उन्होंने कपड़े इदा दे पाए ना, मैं क्या शायद बाद च। उन्नीस सौ 75 विच मिस चंडीगढ़ आई सी। ओ अच्छा। चौथे पोजीशन ते आई सी। बेचारी राती भी आई कपड़े पाके सोंदी है। राती? कोई नहीं बच्चू, तेनू तो मैं बाद च बंदा बनाऊंगी। वैसे बने की है जी खाने च? दाल फुलका और की? सब्जी। बैंगन आदि सब्जी आ? बैंगन तो मैं खांदा नहीं जी। कोई नहीं पुत, भोले दसो ऐसा कर, तू दाल दे नाल दो अंडिया की पुर्जी बना दे जा। हाँ जी ठीक ठीक है जी। अच्छा सुन, गल सुन। हाँ जी। आज तो बाद इस कार विच बैंगन नहीं बनेंगे। तो जे किसी ने बैंगन खाने हुए ते तब बाहर जाके खा के आओ। थैंक यू जी। ले थैंक यू कदा पुत, तू तो इस कार का जवाई है। सॉरी जी। ना ना कोई गल नहीं पुत, तेरा अपना कार है, एक और मार ले। जीजा जी कुछ मिठा सौंफ? हाँ बेटा। एक मिठा खाने टाइम है जी, उधर गुरलीन कौमा चा। किनी सुनी गल की थी ना इन्हें? सरदार जी कादी सियानी गल है, पूरा डोंगा डालडा खा गया, आठ रोटियां ते चार अंडे दी भुर्जी। बस एक कप चाह दा हो जे, रोटी तो बाद ना डाइजेशन लई थोड़ा ठीक हुंदा। के हुंदा दादाजी? नो दादाजी, कॉल मी मिस्टर बरा। अच्छा अच्छा ठीक है। बोलिया। हाँ जी। आज तो रोटी तो बाद इस कार विच सब वसे चा। जीजा जी। हाँ जी। तुसी कार दे की हो? मैं फोटोग्राफर हाँ जी। ओह फोटोग्राफर। सरदार जी फोटोआ खिंचदे? जीजा जी एक गल पूछा। हाँ जी। तुसी ते गुरलीन दीदी फर्स्ट टाइम किथे मिले सी? फर्स्ट मेनू। अच्छा जी। हाँ जी। तुहानू डेट भी याद है? सब याद है जी, बहुत प्यारी स्टोरी है साडी। लव स्टोरी सुनाओ ना प्लीज। कोई ऑटो नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कितने मर गए सारे दे सारे। टाइम ते कुछ नहीं मिलता जी थे। एक्सक्यूज मी, आर यू टॉकिंग टू मी? तुसी मेरे नाल गल नहीं सी कर रहे? जी नहीं, मैं अपने आप नाल गल कर रही हूं। तुहानू कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ते कोई नहीं, पर अपने आप नाल गल करनी है ते भला बोलन दी की लोड़ है? बंदा सोच के भी कर सकदा ना। ए बदमाश लगदा, चल गुरली। बदमाश मेरा पीछा तो नहीं कर रहा?
एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ये बदमाश मेरे पीछे पिया हुआ है, मैनू इहदी नीयत ओहदी नीयत दा तां पता नहीं है, पर नीयत मेरी भी ठीक नहीं है कुड़िए। की मतलब? मतलब तन्नू मैं हुणी दस दिन्ना। बचाओ। ओह गॉड। तुसी मैनू बुलाया जी? नहीं। तुसी क्या नहीं हो गॉड? तुसी बड़े फनी हो। भज आए। आया वो अंकल जी इहनू नाल लैके भजूंगा हुण। मेरा बैग फड़ोगे प्लीज? इतना कैमरा भी आ, मेरी फोटो भी क्लिक कर सकते थे। ओह श्योर। वेरी नाइस, नाइस पंच। कुट्टो इनू, होर कुट्टो इनू। अमेजिंग। शुक्र गानी तन्नो। Amazing! एक मेनू भी मारो। क्यों? मैं थोनू किन्ना गलत समझिया ना? तो आड़े भी कोई कसूर नहीं, रब ने शक्ल ही यही देती है। नहीं, इन्नी माड़ी भी नहीं है। अच्छा, उदा माड़ी है? Come on, I'm sorry. It's okay. परीक्षा? बस जी, फोटोग्राफी मेरा पैशन है। बिना स्टूडियो तो गल च कैमरा पाके दिन रात घूमता रहना। और मैं एक टॉप दी फैशन डिजाइनर बनना चाहनी हूं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दा बिजनेस करना चाहनी हूं। कितने पैसे हुए? 50 रुपए जी। ओ तुसी जाओ जी, मैं पे कर दूंगा। तुसी क्यों पे करोगे? ओ नहीं जी, इदा ठीक नहीं लगता, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, पैसे मैं पे करूंगी। नहीं जी, मैं कहा ना, मैं करांगा जी पे। मैं सरदार जी, आ वेख लियो, ऑटो दा किराया पक्का गुरलीन पेंज ने दिता होना। तैनू किवें पता? एदी शक्ल वेख के लगदा पैसे दो। ओए गल सुन, फिर ऑटो दे पैसे किन्ने दित्ते? ओह जीतगी जी, बस उन्हें ही देते पैसे। देखिया मैं क्या सी करा, पैसे पक्का पेंज ने दिते होने। चुप कर, क्या सी ने? चुप कर, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚੀਚਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟਲ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੈਲੋ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ। ਚੋਰ 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 ਚੋਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਹੁਣੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੋਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੁਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ, ਉੱਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੂਮ 'ਚ ਕਹਿ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੂਮਮੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗੀ ਸਵੇਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਸਵੇਰੇ ਪੱਕਾ ਤੜਕੇ ਚੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ 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 ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਪੱਕਾ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ। ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਡੋਂਗਾ ਦਾਲ ਦਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਆਲੂ ਬਾਲਨੇ ਪੈਣੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਆਲੂ ਮੈਂ ਬਾਲ ਦੂੰ ਤੇਰੇ। ਓਏ ਆਲੂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਵਾਚਮੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। 1975 ਮਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲਫੰਗੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਖੇ। ਜੀ ਜ
फिर की होया? स्टोरी जगवाती रही, बचाई ना मेनू। ओ बोलू, हाँ जी। ओ मेरी बंदूक ले आ। अब सरदार। बंदूक? दादी जी। ठहर जा पुत्र, डंडा थल्ले करो सरदार जी, थल्ले करो। खबरदार जे किसी ने एदे नाल उच्ची आवाज विच गल कीती, घर दा जवाई है। पुतनी दा। ओए मिलो पुपुला। जा बेटा, बेटा एनु अंदर ले जा। आज जीजा जी, मैं थोड़ा कमरा दिखा देनी है। पुबला अंदर लेके चले ने। दारजी कमाल ही हो गया है ना, बदतमीज है मुंडा। तुसी अपना गुस्सा ठंडा करो। ऐसी दीदी दा रूम ते हुन तुहाडा। आई एम सॉरी तुहाडे नाल जो होया, एक्चुअली दीदी करके परेशान ने, बस होर कोई गल नहीं जी। वैसे मैनू तुहाडी ते दीदी दी लव स्टोरी बहुत वधिया लगी। थैंक यू जी। माई सिस्टर सो लकी, यू नो भागां वालियां कुड़ियां नूं ही तुहाडे वर्गे मुंडे मिलते ने। जदों भी कोई इंटरेस्टिंग चेहरा देखदा ना, अपने कैमरे च कैप्चर कर लैंदा। जे किसी चीज़ की लोड़ होवे तां दस दिओ। नहीं जी, किसी चीज़ की लोड़ नहीं। हाँ जी, कोई फ्रूट वगैरह घर च हो तां कटवा के भेज दिओ, जे तकलीफ ना हो तां। नहीं जी, तकलीफ का दी। तकलीफां सारियां खत्म। बड़ा अच्छा मुंडा है। पर इन्नी रात में कौन आ गया है? मोटे ते की पाया है? बंदूक लगती है। वो देखो। ससरी काल जी। ससरी काल, तुसी कौन? मैं गुरलिंदा राजवीर जी। जीजा जी। पूरा कार कंफ्यूज सी, ते थोड़ी जिनी मैं भी। जीजा तो ए भी सोना सी। हाँ पर नाना जी नू ए भी सोना नहीं लग्या। नानी जी नू ता एदे विच कोई इंटरेस्ट ही नहीं सी। ओना नू ता ओना दा राजवीर मिल गया सी। ते मम्मी नू लग्या कि असली राजवीर यही है। चल पुत, रब दे अग्गे केदा वस चलदा है। जिन्ना दुखी तू है ना, ओने ही दुखी असी भी है। जिनी चंगी थोड़ी ड्रेसिंग सेंस है ना जी, उन्नी मिठिया ते चंगी गल्लां करदे हो तुसी। पुत्र तुसी भी बड़े टेस्टफुल हो। स्वाद ड्रेस सेंस है, ड्रेस सेंस। थैंक यू पुत्र। ओ की है ना, 1975 मिस चंडीगढ़ रह चुकी है। ओके, चौथी पोजीशन ते आई सी। ओके बोल। वो मैटर नहीं करता जी, मैटर ये करता कि उस पोजीशन तक पहुंचे। हाई थिंकिंग टू, वाह कितना इंटेलिजेंट मुंडा है। हां जी, कुछ खाएगा बेटा? खाएगा पंगा। हुन अद्धी रात नु मेरे लिए किचन च कौन जाऊगा जी? जे गर्लीन हुंदी तां शायद परौंठे। ठीक है, फिर पानी दी गड़वी पियो ते सोवो। हां नाले चूरन दी गोली दे दे, खा के डकार मार के सो जाई। बेटा अंडियां दा ऑमलेट बन जूगा, कुकर दी एक सीटी बजनी है, दाल तैयार हो जानी है। तुसी मजा रखे ने जी करे? हां चोणियां ने। नहीं जी चोणियां नहीं गियां, मैं कहा जे मजा रखिया फिर घरे देसी घ्यो भी होना जी। हैगा बस फिर बन गई जी गल, मैनू तो बस एक साथ दा फुलका देसी घ्यो नहीं दे दियो जी। जरूर घ्यो च चक्कर मिला के लियावा। जिन्हें गंदे तरीके ना तू मलाई है ना पुत, तू आडा आडे लिया रला, मैं आपे ही लूंगा। माफी चाहना जी। है माफी दी की गल है पुत्र, तू इस घर दा जवाई है, फॉर्मैलिटी करन दी कोई लोड़ नहीं है। वैसे क्यों बहुत सवासी जी। हां जी घर दा कढ़िया है। अच्छा जी। सरदार जी मैं तो कहना इनू भी घरों बाहर कढ़ो, कोई कहानी नहीं सुननी इहदी आपां। बच्चे एक गिलास दुध मिलूगा? ओह की है ना जी, मैं सुनया सियाने कहंदे आ कि रोटी खाण तों बाद जो दुध पियो ना, फिर उहदे नाल ही हाजमा ठीक रहिंदा है ना जी। क्यों दादा जी? नो दादा जी, कॉल मी मिस्टर बरार। रहन दियो ना दार जी। बोलिया। हाँ जी। आज तो खाने तो बाद इस घर दे विच सारे लई दूध। जीजा जी। हाँ जी। तुसी कर दे की हो? मैं जी गाने गाना जी, सिंगर हां। वाओ
ਮੁੰਡਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਜੀਜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਮਿਲੇ ਕਿਦਾਂ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ? ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ ਨਾ। ਬਸ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਜੀ, ਦੋ ਅਜਨਬੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਸ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। तेरी शक्ल तो लगता तेरी जेब च इको नोट होना है। ओ बाकी हजार हजार दे ने। मेरे को फालतू बहस करन दा टाइम नहीं हैगा। ते वेला मैं भी नहीं हैगा। ते वेली मैं। एक मिनट मैडम, ए तुहाडा 100 दा नोट है? ऑफ कोर्स मेरा नोट है। यार ये कुड़ी तो पहले झूठ बोली जाती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तेनू शर्म नहीं आती झूठ बोल दे? एक मिनट भाजी, तुहाडे नोट ते कोई निशानी हैगी है? हैगी आ, गांधी दी फोटो लगी उत्ते, उन्हें हरकत आईया। निशानी ते तुहाडी ठीक है, फोटो भी हैगी है। ते होर मैं झूठ बोल दा? गांधी दी फोटो नहीं है, होर तेरी फोटो होनी है। जे संजय दा दी फोटो लग सकदी है ना, तां मेरी भी लगूगी इक दिन। एक मिनट एक मिनट भाजी, आप इदां करदे आ, 50 दा पेट्रोल इच पाउने आ ते 50 दा इच पाउने आ, किहदा वी घाटा होऊगा 50 दा ही होऊगा भाजी। मैं अपना नुकसान नहीं कराना। ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲਓ, 50 ਦੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟੀਂਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਪਰ ਹਟ, ਚਲਾ ਦਿਮਾਗ ਰੱਖਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਓ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਪੱਕਾ ਗੁਰਲੀਨ ਪੈਂਜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਫਰੌਡੀਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਨੋਟ ਤਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਪੱਕਾ ਪੈਂਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਵੀਰ? ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਓਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨੋਟ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਵਾਂ, ਸੁਣਾਵਾ? ਓਕੇ। ਪੀੜ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ, ਹੱਸ ਪਏ ਜੇ ਰੋ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਆਪਦਾ 100 ਰੁਪਇਆ। 100 ਰੁਪਇਆ? ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਕੱਢਿਆ ਆਂਟੀ। ਬੇ ਕੰਜਰਾ, ਜਿਗਰੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਚੋਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੇਰਾ 100 ਰੁਪਇਆ? ਹੋਰ, ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ? ਸ਼ਿਟ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੋੜਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਵੇ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਮੋਈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ 50 ਰੁਪਈਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬੁਲਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਿੱਟਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ ਵੀਰੇ, ਕਦੇ 17 ਕਦੇ ਰੋਮਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ 35 ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ CCD, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਬਸ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 'ਤੇ, ਹੈਂ ਬਰਗਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 'ਤੇ, ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਪ ਦੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ 50 ਰੁਪਈਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦੀ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੁੱਲਕ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢਣ ਆਇਆ? ਉਪੜਾਓ 50 ਰੁਪਏ। ਉਦਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਚੱਲ ਗੁਰਲੀਨ ਭੱਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਈ ਦੀ, ਉਹ ਖੜੋ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ। ਉਹ
ਗੱਲ ਸੁਣ ਖੜ ਜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਸਕੂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਗਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੇੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬਦੀ ਚੱਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 50 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਦਣ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੈਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਜੀ ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੀਏ ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੌਪ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਬਣਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਰੀਲ ਕਢਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਖਾੜੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਵੱਜਣ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਲੱਬ 'ਚ ਮੈਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਗਾਉਣਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ ਭਲਾ ਦੀ ਅੱਜੀ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਚਲਾ
ਮੌਕਟੇਲ ਹੋਰ ਓਕੇ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ ਉਹ ਮੌਕਟੇਲ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਮੌਕਟੇਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਣ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭੂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਲੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਆਂਟੀ ਦੇ ਲਾਲਟੈਨ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਆਂਟੀ ਨੋਟ ਕੜੇ ਓਏ ਓਏ ਆਹੋ ਮੈਚਿੰਗ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜਵਾਈ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਚ ਜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆਓ ਆਓ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਣੀ ਓਏ ਓਏ ਸਰਵਰ ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਕਾਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਬਸ ਇਥੋਂ ਆਓ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਬਚਾ ਓਏ ਯਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੜਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਏ ਓਏ ਲੈ ਲਓ ਕੁਆਰ ਫਟੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਓ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗਰਲੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਆ ਜੀ ਕੱਟ ਫਰੂਟ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਚੋਇਸ ਓ ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਗਰਲੀਨ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਓ ਆਇਆ ਆਇਆ ਦੋ ਦੋ ਰਾਜਵੀਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਪੰਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹਨ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਜੱਗ ਅਸਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਵਿਕਰਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਵੀਰ ਦਾ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੋ ਨਿਕਲ ਆਏ ਦੋ ਦੋ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖ ਯਾਰ ਅਸਲੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਕਮ ਔਨ ਯਾਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਲਵ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਰੱਬ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜੀਜਾ ਝੂਠਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਪਰ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਝੂਠੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਗਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸਲੀ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਬਣਾਈ ਆ ਕੋਠੀ ਕਾਹਦੀ ਮਾਲਿਆ ਭਰਾਵਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਘਰੇ ਦੱਸ ਸ਼ਦਾਈ ਸਾਲੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੀਜੇ ਅੱਜ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ
आज ता पता लग ही जाना है कि असली राजवीर केड़ा है। असली राजवीर तो मेरे वाला है। रहन दे ओ लाल मुर्गी, मेरा राजवीर असली है। सरदार जी पर एक गल्ला की करदे पे ने। सीरियस ने कोई स्कीम बढ़ा रहे होने ने। अच्छा आले दुआले जमीन भी काफी है। वैसे यार कोठी का रेट होगा कि ना? 5-6 करोड़ रुपए की तो होगी। तो आ जमीन जमून जी मिला के 50 करोड़ रुपए का पैकेज बन जाना। ये तो मतलब ना ना कर दें जवाई दे से 8-10 करोड़ तो लग ही जाना। जवाई ओ मैं राजवीर इस कर दा जवाई। कमाल की गल है, मैं भी राजवीर हाँ, मैं भी इस कर दा जवाई हाँ। वो छोटी वाली ना? चंगा हाथ मारिया तू ही। गुरलीन छोटी हो? लै दस, मैनू दसे नहीं किसी ने। सरदार जी कर दो सीधा सारा नू। तुसी इस घर दे प्रधान हो, मैं तुहाडी दनाली लाया, चला दो अज फिर। क्यों नहीं इन्हां दोनों नू? कुड़ी की करन लगे ने। देखो जी गुरलीन दीदी का राजवीर तो एक ही है, हुन इन्हां दोनों विचों असली राजवीर कौन है ये पता लगाने का तो एक ही तरीका है। इन्हां दोनों की कहानी पूरी सुनी जाए। पर नाना जी इस बारी तुसी कुछ नहीं बोलोगे, ते पोला तू भी नहीं, समझिया? मैनू किया जी, पलाओ पलाओ दो ते सप्पां नू। ओए चुप कर, फिर वाह वो करना शुरू कर देता है। फिनिश कर ले, फर्स्ट आजा पुत्र। पुत्र तू पहला शुरू कर। ठीक है जी, थोड़ा याद कर लें दो। डर तो नहीं लगता मेरे तो? तुहाडे कोल डर किवें लग सकदा? चलो कुछ गल्ला करिए, कुछ दसो अपने बारे। की दसा? सारा कुछ ते दसता। कुछ होर दसो जो सिर्फ दोस्तां नूं दस्या जांदा है। कोई स्पेशल फ्रेंडशिप, कोई अफेयर? अफेयर कित्थे जी, लव अफेयर ते उहनां दे हुंदे आ जिन्हां दी जिंदगी च पैसा होवे। तुहाडे मुंडिआं दी सिर्फ सोच है, बगैर पैसे तो वी कुड़ियां मुंडिआं नूं पसंद करदीआं ने। अच्छा जी, कितने ने कुड़िया? मैनू तो लभी नहीं कोई। कोई नहीं मिली? एक्चुअली मिली सी एक। चलो पर जब उन्होंने ये पता लगा कि मित्रों को पैसे है नहीं, फोन ही चुकना बंद करता। मैं मानती हाँ तुहाडे नाल माड़ा होया, पर ये तो मतलब ये तो नहीं कि कुड़िया मुंडिया नू सिर्फ पैसे लिए प्यार कर दिया ने। कोई चंगे सवाल भी तुहानू पसंद कर सकती है। असल जिंदगी ते कामयाब बंदियां दी कामयाब लव स्टोरियां दी। ए मेरा फ्रेंड है, मेरा आईडी कार्ड वापस करन आया सी। एनी प्रॉब्लम? काश लम्हा थम जावे हो। तुसी जाओ चालू नू, भूल जाओ, लाइफ इज ब्यूटिफुल। Oh,
का कमला हो गया राजवीर, हर चेहरे च गुरलीन दा चेहरा नजर आ जांदा। मैं गुरलीन ही हां, की हो गया तेनू? 7 दिन हो गए, जदों दा मेरे होस्टल च गया एक बार भी मैनू मिलन दी कोशिश नहीं कीती। मैं जान के मिलन दी कोशिश नहीं कीती गुरलीन। पर क्यों? उस रात मैं तेरे नाल प्यार हो गया गुरलीन, ते मैं सोचा जिन्ना प्यार मैं तेनू करदा जे तू भी करदी हुई तो मैनू आपे लभ लेंगी। पर जे मैं तेनू नहीं लभदी तू मैनू भूल जांदा? भुलना मेरे वास्ते नहीं गुरली। I love you, राजवीर। Let's get married। चाहुंदा तो मैं भी यही हूं, पर हाले नहीं। हाले मैं टॉप दा फैशन फोटोग्राफर बना ते अपना खुद दा स्टूडियो बना। काम करते हैं, मैं अपने दादा जी तो 50 लाख ले लेनी हूँ, आपा दोनों अपने सपने मिलके पूरे करांगे। गुड आइडिया। बकवास आइडिया, इन्हें 50 लाख रुपया लेके भजना नहीं सुने जाने। ओ भजना नहीं है, अपनी गुरलीन का सपना पूरा करना। मेरी गुरलीन का सपना तू क्यों पूरा करेगा? गुरलीन मेरी है तो मेरी रहूगी। कान खोल के सुन ला। मर जाना फोटोग्राफर मेरे हाथों। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुसी कौन? मैं राजवीर। ओह माय गॉड, एक होर लव स्टोरी। राजवीर। ओ केड़ा राजवीर, तू किवें हो सकदा राजवीर? हैं जी, ओ सही कह रहा फोटोग्राफर, तू राजवीर नहीं हो सकदा। क्यों? इस नाम दा तुसी ठेका ले रखे? जी ए राजवीर है, असली। नहीं नहीं जी, असली राजवीर है। अरे होर नहीं, ए है जी, ए है जी। ओ मैं जी असली राजवीर, ए है जी, ए मैं राजवीर, मैं कह रही हूं, ए है। ओ तुसी किथे चले? अपनी लव स्टोरी दा सुना के जाओ। लव स्टोरी? हाँ जी बाजी, इन्हां नूं लव स्टोरी सुना के जाओ, नहीं तो इन्हां रात की रोटी नहीं पचनी। एक मिनट, तुसी सारे कट्ठे होवोगे जी? हैं जी, एक फोटो लेनी सी। थैंक यू, इन्ने कमले कट्ठे नहीं देखे मैं कदे। एक तो मैं पहले ही गवाचिया फिरदा, मसा कोई कोठी दिसी सी, मैं सोचा इतने राह पुछ लवा थोनू। गुरलीन दे राजवीर नहीं हो? हुण गुरलीन कौन है जी? फिर आओ भाजी, तुहानू
सही रास्ता दिखा दिए। हाँ जी हाँ जी है राजवीर। वैसे थोड़े चो असली राजवीर है कौन? राजवीर मैं हां भाजी असली। ये तो साला फ्रॉडिया पता नहीं कितों आ गया मुंह चक के। असली राजवीर सिंह हैगा मैं ते ये हैगा चोर। इतना फर्क है। ये राजवीर होना पर गुरलीन दा राजवीर मैं हां। और तैनूं पता नहीं राजवीर मैं हां। ओ राजवीर मैं हां। ओहो ले ले हुण तू कोठे बच्चा तू फोटोग्राफर साला तैनूं कोई गल नहीं साला पागल जिहा। कोई गल कोई गल कोई गल मॉडर्न लगे क्लाइमैक्स च देखदे हां असली राजवीर कौन है। ठीक है जी थैंक यू ते सत श्री अकाल। राजवीर 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 हर पासे घर विच यही ना सुनदा सी एक रा भुलिया कर आया वह भी राजवीर। रब करे दीदी नू छेती होश आ जाए ते सानू असली राजवीर का पता लग जाए। ओ दीदी आई मिस यू सो मच। पता है जो भी मैं ते गुरलीन दीदी कट्ठे होंदे सी बहुत मस्ती करते सी सारा घर सिर ते चुक लेंदे सी। गुरलीन दीदी हमेशा मेरी वर्गी चल्ली नू ब्यूटी क्वीन वांग ट्रीट करती सी। मैं रब को सवेरे शाम यही अरदास करती सी कि दीदी नू छेती होश आ जाए ते उदा सच्चा प्यार उनू मिल जाए। कौन है मुंडा रोज आंदा है फुलां दा गुलदस्ता रख के चलिया जांदा है लगदा बहुत प्यार करदा है इनू। आई गया तेरा बर्थडे मिला फिर अपने असली जीजे नाल? की मिलावा यार पूरा हफ्ता निकल गया मेरा बर्थडे भी आ गया पर हाले तक ये पता नहीं लग्या कि असली जीजा केड़ा है ते नकली के। सानू मिला दे असी आपे ही वेख लावांगे असली कौन है ते नकली कौन है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मेरे वालों जी हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू। मैं कह रही सी ना ए ने मेरे जीजा जी ए ने रॉक स्टार जीजा जी ते ए फैशन फोटोग्राफर जी जाजा। फैशन फोटोग्राफर जी जाजी साड़ी सालियां दी फोटो ले लियो। रक्षा जी जाजी आज तुसी कुछ सुनाई दियो। मैं की सुनावा इन्हें तो बस ऐ शर्माई जाना। कुड़ियो ऐसा करो तुसी लोग शुरू हो जाओ ते तुसी मेरे को दूर लियो। ओए दीदी साड़ी कूल कूल जी जहाँ सदा बहुत नीली
ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਵੀਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਰੌਣਕ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਨਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਜਵਾਈ ਘੱਟ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਜੀਜੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। लाल रंग पी रहे हो जी? नहीं, स्ट्रॉबेरी। सॉरी, ब्लू थी, ग्रीन भी है। अच्छा जी, फिर मैं नीला भी लूंगा जी। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली 2-3 दिन तो मैं सोच रही थी कि थोड़ी लव स्टोरी तो अधूरी रह गई। पूरी मेरी लव स्टोरी तो सुनी होनी जी, गए ने और झूठे जी लव स्टोरी सुन ली सारे ने। ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਗੁਰਲੀਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਲਵ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਰਹਿਣ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਵੇ ਕੰਜਰਾ, ਧੇਲਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਚੱਕ ਲਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ? ਆ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ? ਆ ਦੇ, ਆ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ? ਵੇ ਆ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ? ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ? ਕਿੱਥੇ? ਆ ਦੇ, ਆ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੱਸੋ? ਐਤਕੀ ਨਾ ਤੁਰੋ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਥੋੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰਾਜ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਿਆ। ਹਾਂ, ਬਰਸਾਚੂ ਦਾ ਕੋਟ ਆ ਮੇਰਾ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੈੱਡ ਇੱਕਾ ਹੀ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ 2 ਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਜੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੋਰੀ। ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਸੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਜਰ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੌਕਟੇਲ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਸਾਲਾ ਪਾਗਲ, ਕੌਕਟੇਲ ਪਾਪਾ ਪਲਾਈ ਗਿਆ ਪਾਗਲ। ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ? ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਸੌ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਓ ਸਵੀਟ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਗਾਇ ਰਾਜਵੀਰ। ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਲਵ ਯੂ ਜੀ। So proud of you, Gurleen Didi. How romantic. Phir ki hoya? Agge ki hona ji? Main Gurleen nu kehta na, main utak vyah nahi kar sakda jab tak mainu 50 lakh rupaya nahi mil janda. Main phir reel bhi ta kadawani hai na ji. Haan, inna ta lag hi janda hai. Aa dekh lo ji, thodiyan te Gurleen diyan gallan kehna ditto nahi. Ohne aha hi gal kahi si mainu. Naale ohne mainu keha si bhai tu tension na le, aapa dada ji ko 50 lakh rupaya le lange. Par dada ji ta mainu jawai mande nahi hage ji. Par main ta tuhanu apna jeeja mande ha. Mainu pata si ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਚੋਇਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੋਇਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਹੈ ਜੀ, ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਚੈੱਕ ਪਲੀਜ਼। ਚੈੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਗਈ? ਰਾਜਵੀਰ ਨੇ? ਰਾਜਵੀਰ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾ ਵਾ ਬਿੱਲਾ। 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੈਟਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਠੱਗ ਵਾ ਠੱਗ। ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਵੀਰ? ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਫਿਰ। ਬਸ ਇਹੋ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ।
छोटे होंदे ही मां प्यो मर गए सी। चल कोई नहीं रब ने चंगा मेल कराया है। इस घर नू एक पुत्री लोड़ सी और तेनू मां प्यो दी नहीं। हाँ जी मां ते मिल गई तुहाडे च, प्यो नहीं दिसदा बरार साहब च, किन्ना गुस्सा ना उन्हां च। नहीं 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 दिल दे बहुत चंगे ने। हाँ नारियल देखिए बाहरों किन्ना सख्त अकड़िया होया और अंदरों पोला पोला। की करते दुख झेलते झेलते दुनिया निभांदे निभांदे थोड़े रुखे हो गए ने। जवान पुत ने बिजनेस विच लॉस खा के गोली मार के अपनी जान दे दी। पर चल कोई नहीं, रब ने साड़ी जो सुन ले उन्हें तेनू जो भेज दिता। गोभी बहुत पसंद आ जी मैनू। अच्छा फिर अज तो गोभी बनेगी पुत। कमाल है पुत, तू तो मेरे सारे ही काम कराते, बड़ा ही बीबा मुंडा है तू। बुआ जी ये गल तुसी समझदे आ, पता नहीं दाजी गल तो नहीं समझदे हैगे। पुत दार जी दिल दे बुरे नहीं है, पता है जद प्रीति दा प्यो किसी होर नाल व्याह करा के यूके चला गया सी, जवान कुड़ी माँ प्यो दे घर आके बह गई। बेचारे दार जी ने सारी दुनिया दे मेने सुने पर एक वारी भी मैनू नहीं किया कि मैं अपने सहुरे वापस चली जावा। बस एक गल दे बारे सोचते रहते ने हमेशा कि इस घर नू कदी चंगा मुंडा नहीं मिलिया ते ना ही कदी चंगा जवाई। पर मैनू हुण ऐ लगदा है कि उन्हां दी इच्छा तू पूरी करेगा, करेगा ना। मैनू ना मटर बहुत पसंद है, अज आपां मटर बनाउणे आ। चल ठीक है मटर पनीर बनावा। हाँ मटर पनीर बनावा, हुणे ही शुरू होनी है। बीजी लो। ओ लागी रोटी। मत्था टेकदा जी प्राड़ साहब। मत्था टेक रहे है। सुन लिया। डिनर रेडी हो गया। पैरी पहना ही प्राड़ साहब। पैरी पहना कह रहे हैं दार जी। सुन लिया सरदार जी ने, नाले ने केड़ा पैरी हथ लाए ने। पता है अज राजवीर ने मेरे नाल किचन दे सारे समान दी शॉपिंग कराई है। ते सारा समान मेरे राजवीर ने रखवाया है। ते बनवा भी इन्ना कोई लेनी सी। चुप कर, जदों देखो बहू वो करदा रहंदा है। बहुत ज्यादा सिर चढ़ गया है। पानी पिलाओ पानी इन्हां नूं। की हो गया इन्हां नूं? थैंक यू। ओए थैंक यू की है? थैंक यू क्या ब्रदर साहब? अब बच जा तो दसते क्यों नहीं तुहाडे च असली राजवीर कौन है? सारे घर नूं वाणे पा के रख्या होया है। सोनम यार गल सुन, नाना जी भी बाकी फैमिली वांग दोनों नाल इमोशनली अटैच हो रहे ने यार। एक काम कर, सेक्टर 19 दी मार्केट विच बिल्ला ना दा एक बंदा रहता है, उदे बारे पता कर। ब्राड साहब विक्रम का विआह फिक्स कर देता है कनेडा की कुड़ी ना। विक्रम नू कुड़ी पसंद आ गई? नहीं है तो मैं ही जबरदस्ती की है, विक्रम ने तो अजे तक कुड़ी की फोटो भी नहीं वेखी। यार धर्मिया कल दोनों राजवीर ने मनु मत्था टेकया, मैं कोई जवाब नहीं दिता। उस वेले तो मनु ठीक लग्या पर हुण चंगा नहीं लग रहा। तू बिल्कुल चंगा कीता, दोनों चो एक तो फ्राड है ना, जब तक असली नकली का पता नहीं चलता तू अपना रुख नरम ना करी। ब्राड कहना तो तू ठीक ही है, मेरे दिमाग च गल आउंदी है, मैं तो चाहना तू दोनों नूं घरों कढ दे। जदों गुरलीन नूं होश आएगा दोनों नूं बुला ली, जिहड़ा असली होएगा वह आ जाएगा, दूजा वैसे ही भाजेगा। यार वो जेड़ियां दोनों उन्हां दे पिछे ठूठे लैके घुंदियां रहिंदियां ने ना छुदैणा। धर्मपाल अंकल दी गल नाना जी नूं चंगी लगी ते उन्हां ने दोनों राजवीरां नूं घरों कढ़न दा फैसला कर लिया। मम्मी ने कहा कि मेरे राजवीर नूं 50 लाख दे के ही घरों तोरो। नानी जी ने कहा कि जे मेरा राजवीर घरों जाएगा तां 50 लाख लैके ही जाएगा। नाना जी दोनों की गल मनन नूं तैयार नहीं सी। हुण तिन्नों अपनी जित तैयार कर, सवाल यह सी कि पहला कौन चुके। नानी जी ते मम्मी ने ओ हथियार चुकिया जिदे अगे वड्डे वड्डे चुक जांदे।
हेलो जी, सत श्री अकाल जी। दादी जी ने आए मेरे, रोटी नहीं खानी अज? दादी तेरी ने वर्त रखा होना। हाँ नाले वैसे भी इस उम्र च रोटी अवॉइड ही करनी चाहिए है। चल दादी छड, प्रीति मैनू ये दस भूआ जी कितने ने? वेखी डाइटिंग तो नहीं शुरू कर ली, मिस पंजाब भी आने वाला। ना दादी का वर्त है ते ना भूआ डाइटिंग ते है। हैं उन्हां दी अज भुख हड़ताल है। भुख हड़ताल? दोनों का कहना है कि मेरे राजवीर नू 50 लाख दे के तोड़ दियो। पर तुहानू की फर्क पैंदा है? तुसी खाओ खाओ खाओ, तुहाडे लई बनी है खीर ते तुहाडे लई पालक पनीर। प्लीज खाओ खाओ। खीर तो मैं खाऊंगा जरूर, मैं भी पालक पनीर खाऊंगा फिर। कंजरी मक्खी। मैं ना कमरे च बह के खाऊंगा। तेरा मुंह ठीक नहीं लग रहा, मैं भी रूम च जाके खाऊंगा। सत श्री अकाल। हाँ जी, की गल, रोटी नहीं खाधी तुसी अज? हैं मैं नहीं रोटी खानी। क्यों? सारे ने मैनू बेवकूफ समझा है, बंदर जे ना होते। मैं क्या 50 लाख रुपया दे दियो, मुंडा अपना बिजनेस शुरू कर ले। नहीं अड़े हुए ने। बिल्कुल ठीक है, आप पैसे लेने हैं पर रोटी थोड़ा छड़नी आप। मैं नहीं खानी बस। चलो ठीक है फिर, मैं भी नहीं खाना। तू क्यों कर रहे ऐसा पुत? फिर रोटी वह छड़ना जो झूठे आ, आप क्यों छड़िए? खा लो। खा ली और की? खाओ खाओ, बड़ी भुख लगी सी ना। तू भी आकर आकर। मैं तो नहीं खा रही सी कि कितने अपना केस ना कमजोर हो जाए। पैसे भी आपा नु मिलेंगे ते केस भी आपा ही जितांगे। रोटी खाओ तुसी बस। आ आ खा लो। मैं खवाना अपनी भुआ नु रोटी। दस भुआ मेरी भुखी रवे। आ करो बस। आ टेस्टी है नाना जी, रोटी खा लो। मूड नहीं है। वैसे तुहाडी जनानी ते ती दोवे रोटी खा चुके ने। अच्छा, मैं ऐवें ही बैठा होया सोटी को मारे। नाना जी, तुसी उन्हां दोनां नूं पैसे दे क्यों नहीं दिंदे? की कहनी है, उन्हां दोनों विच्चों एक झूठा भी तो है। नाना जी पर एक सच्चा भी तो है। झूठे दे करके असीं सच्चे वाले नूं क्यों तंग कर रहे हैं? नाना जी रब दा दित्ता इन्ना कुछ तो है साडे कोल, जे एक जना पैसा लै भी जाएगा तो की फर्क पैंदा है? प्लीज प्लीज एक लास्ट वारी। मैं तुहानू दोनों नू 50-50 लाख रुपया दे रहा। चुको। ओ मैनू 2 साल हो गए पिंडियां नू, मेरी 500 तनखा नहीं वधाई। इन्हां फ्रोडियां नू कितना 50-50 लाख वंडन दे आ। ओए हैलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सरदार जी पैसे ना दियो, गुरदीन भैन जी नू होश आ गया जे। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਰਾਜਵੀਰ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿਹਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਵੀਰ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੁਰਲੀਨ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜਵੀਰ? ਦੱਸ ਨਾ ਗੁਰਲੀਨ, ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਪੁੱਤਰ, ਅਸਲੀ ਰਾਜਵੀਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਨਾ। ਨਾ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਵੀਰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਇਹ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਅਸਲੀ। ਐ ਵੀ ਖਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਸ ਦੇ ਸੱਚ ਸੱਚ।
ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਰਾਜਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੇਖਿਆ ਓਏ ਇੰਗਲੀ ਚੱਲਦੀ ਓਏ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਏ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਵਕਤ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਈ ਦੇਖਿਆ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਰਾਜਵੀਰ ਹਾਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰੋਮ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਮਾ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੁਐਰ ਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸੋਨਮ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 19 ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸੀ ਸਸਿਕਾਲ ਪੁੱਤ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾ ਨਾ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਕੰਜਰ ਨਾਲ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨ ਦਿਉਂਗੀ ਨਹੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 12,000 ਰੁਪਈਏ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਵੀਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਕਮਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋ ਜੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੀਦੀ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਥੈਂਕਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਓ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਔਰ ਭੂਆ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਜੇ ਰਾਜਵੀਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਆਹ ਦਵਾਈ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਗਲ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗੁਰਲੀਨ ਇੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਰੱਬ ਨੇ ਡੇਲਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇਰਾ ਪਾਪੀਆ ਡੇਲਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੌਣ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ 19 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਿਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ
आप जी अपने बारे कुछ दसोगे हुण? ओ छड्डो जी, काफी लंबी इंट्रोडक्शन होई गई इहनां दी, उस हिसाब सुण लो जी। फिलहाल ए दसो कि तुसी इस कोठी तक पहुंचे किदां? हुण दसोगे या बुलावा दादा जी नू अपनी बंदूक नाल? हाँ प्रीति। ओहो, की हो गया, की लुकोया मैं? अच्छा, की लुकोया है? चलो छड्डो, कंग्रेचुलेशंस, नाना जी ने पंजालक ली, हाँ कर दी है। सच्ची? यस। नो, पहले मेनू ए दसो साडे राजवीर जीजा जी है किदां दे? राजवीर जीजा जी, ओ मैं तेनू घर आके दसांगी, बाय। गर्ल्स, गुड न्यूज, दादा जी ने हाँ करती है। जा लक देन ले, राजवीर नाम दा जेड़ा पत्ता में सुटिया सी, ओ कामयाब हो गया समझो। मैं उन्होंने चूट किया सी कि मेरी जिंदगी च राजवीर नाम दा एक मुंडा है, ते मेनू 50 लाख रुपए चाहिए ने ओदे नाल बिजनेस शुरू करने वास्ते, ओ मन गए ने। चीयर्स गर्ल्स। बड़ी हिम्मत है थोड़ी दोनों विच। हिम्मत तां गरीबी सिखाई देंदी है जी, जदों अपने सुपने पूरे करन दा होर कोई तरीका नहीं लभा, फिर इहो तरीका ठीक लगा। हाँ जी, मैं तो सारा कुछ करना ही नहीं चाहुंदा सी, कलाकार बंदा ही मैं, पर मैनू इन्ना पता सी चाहे मैं जिंदगी जो करी जावां पर मैं इन्ने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकता कि मैं रील कढ़ा लवां अपनी। नाले मैनू जदों पता लगा जी तुसीं अपनी खुशी लई अपने दादे नूं धोखा दे सकदी आ, फिर मैं भी अपनी खुशी लई कीता सारा कुछ। वैसे तुसीं चाहो तो अपने दादा जी नूं बुला सकदे हो। हाँ, पर मैनू पता तुसीं इदां करोगे नहीं, क्योंकि उहदे नाल तुहाडा झूठ वी ते फड़िया जाणा। हाँ जी, बुला लो बेशक नहीं। की चाहते हो तुसी दोनों? ओही जो पहला चाहते थे जी। पैसे ही चाहिए? दस पैसे मिल जाएंगे थानू दोनों नू पैसे, पर रातों रात इत्थों गायब हो जायो, मुड़ के अपनी शक्लां ना दिखायो। ठीक है, 5 लाख बहुत ने। ओ हेलो मैडम, 5 लाख असी चोर आ? सही गल है, ए चोर नहीं गुरलीन, ठग ने। ओ यार तुसी लड़ी ना चलो आपस, चंगा मैनू हिसाब ला लैण दो। स्पीड वाले तुसी मैं 30 लाख रुपया दे दो। ओ बस 30 लाख? चलो मैं भी सार लूंगा 30 लाख दे नाल। 30 डन आई? डन जी डन। मिल जाएंगे, पर उस तो बात कदे मैंने अपनी शक्ल ना दिखाई। आलो थोड़ा बैग, ओ दा बैग मैं उन्हें देता है, पूरे 30 लाख में गिन ले। एक रिक्वेस्ट है, चाहे हो तो जब मेरी माँ ते नानी सुत्ते पे पैसे चाहिए ने। और की? किने? बस यही कोई 1 करोड़ पाए हुए ने, किसी काम वास्ते मंगाए सन, मैं लेके आना। ओह माय गॉड, पैसे तो है ही नहीं, साड़ी चोरी फड़ी जाओगी। 1 करोड़। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो यार मैं एक गल तो कहनी भूल ही गया, विक्रम दे ब्याह ते सारिया नू लेके आना। ऐ भी कोई कहने दी गल है? विक्रम दा ब्याह हो रहा है? ओ विक्रम दे ब्याह नू छड़ पैसे किधरों आ गए? असी तां सारे पैसे काट ले सी। मैनू पता है पैसे कित्थों आए। तैनू पता है? हाँ जी, कल राती जदों मैं दादा जी दे कमरे च गया, शर्म तो नहीं होनी तेनू? 30 लाख घट गए जी, जिहड़े होर लैण आ गया। ओ नहीं यार, रखण आया सी मैं ते, अपना ही घर आ, जदों लोड़ होगी मंग लूंगा दादी तो आके। गल तां तू सही कह रहे यार, मैं भी पैसे रखण आया सी, भूआ बहुत तेज कर दिया यार, जदों लोड़ होई मंग के लै लाँगे है ना। हाँ, अपना घर आ यार, इदा नहीं करना चाहिए।
यार अड्ड होने तो पहला तूने एक गल दसा, तेरी लव स्टोरी वधिया सी यार। झूठी ही ना ता ही वधिया है, क्योंकि कामयाब बंदियां दी ही कामयाब लव स्टोरी आंदियां। मेरे वर्गे नूं ते शालू टक्कर दी जिहड़ी ये पता लगन दी कि मैं एक स्ट्रगलर फोटोग्राफर हाँ, फोन ही चकने बंद कर दिंदी। ये ही मेरी असली लव स्टोरी जिहदा साला एंड ही नहीं कोई। मैनू तो मेरी झूठी लव स्टोरी ने इस घर में सच्चे प्यार ना मिलाता सी, पर किस्मत अगे सारिया लव स्टोरियां हार जानियां वीरे। वैसे असली नाम की तरह वीरे? राजवीर। ते तेरा? राजवीर। वधिया लगा मिलके यार। चल भाई, रब रखा। राजवीर सारा घर लभ लिया, मेरा राजवीर कितने गया? उन्हें मैंने मॉल लेके जाना। मेरा राजवीर भी नहीं मिल रहा। राजवीर, राजवीर। और रोला क्यों पाया जे, इधर किधर ही होने ने। राजवीर, राजवीर, राजवीर। कोई राजवीर नहीं है मेरी जिंदगी विच, कोई राजवीर नहीं। मैं थोनू सारे अनु झूठ बोलिया सी, वो दोवें चले गए ने, उन्हें भूल जाओ। सरदार जी कहते क्यों नहीं है? तैनू पता तू किन्नी वड्डी गलती कीती है सच दस के? तेरे झूठ नाल ही सही, पर इस घर दियां खुशियां वापस आ गईयां सन। तैनू नहीं पता तेरी दादी और बुआ दा इस वेले की हाल है। उस तां मैनूं ओह शुदाई और उन्हां दियां शरारतां पसंद आण लग पईआं सन। पुत्तर तू चंगा नहीं कीता, बिल्कुल चंगा नहीं कीता। ज्यादा नुकसान च मैं रही हूं, मैं विक्रम नु खो चुकी हूं, वो मैं तो बहुत दूर चला गया। आई लव्ड हिम प्रीति, आई लव्ड हिम। पलकां दे कोने विच टूटे सारे खां, साडे तो नहीं हुंदा अंजुआ दा चढ़दे मौसम विच असी लभदे रहे बहार।
दीदी अब ओ बैग्स किथे चले हो? मैं एले जा रही हूँ प्रीति, चंगी जॉब ऑफर हुई मैं एक्सेप्ट कर ली। इंज क्यों जा रहे हो? चंडीगढ़ च काटा है जॉब्स था? नहीं प्रीति, मैनू जान दे, जद मैं कोमा च सी इस घर दे सारे खुश सी, उन्हां दोनों ने सारे दे जी ला के रखे हुए सी, और हो सकता मेरे इत्थे चले जाने तो बाद ही इस घर दियां सारी खुशियां वापस आन। दीदी इस घर की खुशी साड़ी खुशी तुहाडे नाल है। नहीं प्रीति तू मैनू रोक ना, इस तो पहला कर दे विक्रम के विआह तो वापस आ जा, मैं इत्थों चली जाना चाहनी हूँ। दीदी वैसे तो मैं बुरे रखे जी, फिर कद ले सद्या? वो मैं तेरे तो पहला रखते ही, मैनू कद ले सद लिया? तेरे वैसे मैं यकीन है नहीं फोटोग्राफर मैं तू शट अप। हर वेले मजाक, तुहानू पता है विक्रम ने विआह लई किस करके हाँ कीती है? क्योंकि उन्हें लगता है कि गुरलीन दीदी राजवीर नाल प्यार करती है। ते अब विक्रम कित्थों आ गया होना? साला ना ही मिलन आला। चुप करोगे तुसी दोवें? विक्रम मोह है जिन्हों गुरलीन दीदी प्यार करती है। यार आधा तरह दी गुरलीन दीदी ने खड़ा किता है हो। की कहंदे उन्हों अंग्रेजी च? ओ कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूजन। आ जो भी हुंदा। हाँ वही कन्फ्यूशियस। हाँ जी। ओ अपना मुंह बंद रखो। अज विक्रम दा व्याह है ते गुरलीन दीदी एले जा रही है। ले? ते एदे जिम्मेवार तुसी दे। मैं? मतलब हर गल दा पांडा साडे सिर ही भजणा? हुण इह वी कह जा जिहड़े मुंडे गल्लां घट ते गल्लां वध करदे आ ओही साडे करके करदे आ। हां जी वीरे, आ जिहड़ा अद्धा पंजाब नशे डुब्बिया ओह साडे करके डुब्बिया। जिहड़े कालजां दे बाहर मुंडे कुड़ियां नूं छेड़दे आ साडे करके छेड़दे ओ। हां जी हां जी, आ जिहड़े कुड़ियां मुंडे नूं छड्ड के जांदे वीरे साडे करके छड्ड के जांदे साडे करके। हीर रांझा मिल नहीं सके ओहदे जिम्मेवार वी असीं आ। हां आ जिहड़ा साहिबा ने मेरे कैमरा मैं ओहदा जिम्मेवार वी मैं आ। अंडो स्टोरी। ओ यार मैं गिप्पी गराल दी गल नहीं करता, असली मेरजा दी गल करता। ओ दस अनटोल्ड स्टोरी। चल छड़ यार। ओ हेलो। ओ यार जान दे यार, बहुत हो गया गलत काम, हुण गुरलीन ते विक्रम नु मिला दिए यार। वो आप ही मिल जाएंगे, मैं नहीं मिलाऊंगा यार। चल ठीक है, कसूर फिर साढ़े ते ही आना, तो मैं दसती गल ये आया ले ला पंगा। मजाक कर देना अंकल जी। तेनू तो हर पासे राजवीर दिखाई देता है, तेनू भी अपना राजवीर दिखाई देता होना है। क्यों नहीं पर दिसना तो सही। ओह माय गॉड, तुसी तो तैयार भी नहीं हुए। इट्स ओके। पता है जो तो डैड ने मैंने दसिया कि मुंडे ने फोटो बिना वेखे व्याली हाँ कहती, मैं बाला गुस्सा आया। मैं भी कहता मैं भी फोटो नहीं देखांगी, फिर सोचा एक बार तो चेहरा वेख लेना चाहिए। यू गुड लुकिंग। मैं भी नहीं माड़ी नहीं है ना। आई एम एन एस्पायरिंग फोटोग्राफर।
मैं अपना स्टूडियो खोलने लगी हूँ। स्टूडियो? I hope you don't mind. मेरी इंट्रोडक्शन तक खत्म होगी। तो सिर्फ अपने बारे कुछ दसो। शर्मीला है पर चंगा है। लबाई किधर ते नहीं? उधर भी है नहीं यार। वो कित्थे मर गया साला? कित्थे लबी होने नू? थले चलिए थले वेखिए। हाँ कौन हो तुसी? वो विक्रम दे आ रहे हैं व्याले मुंडे दे। अच्छा कदों दे जानदे विक्रम नू? ले वो असी हुण दे जानदे आ कट्ठे रहंदे रहे दारूआं पीतियां तू बिचों की लेना है साला पागल दस दारूआं? हाँ विक्रम दारू नहीं पींदा। तैनू किदां पता यार नहीं पींदा? मैं ही विक्रम हां। सिर्फ तू तू समझी चल यार सची चल तानिया की करिए तानिया के यार उतरो फोटोग्राफर वादू जरूरी है देखो मैं तुहानू दसदा मेरा मुंडा विक्रम नहीं है। मैं वो नहीं जो तुसी समझ रहे हैं। मैं तो इतने दो टुटे दिलों नूं मिलाउणा आया सी उसे चक्कर च तुहाडा व्याह तोड़ बैठा। फिर तुसी कौन हो? उच्चे सुपने वेखण वाला एक स्ट्रगलिंग फोटोग्राफर। फोटोग्राफर थोड़ी लाइफ कोई कुड़ी है? नहीं जी मेरी लाइफ कोई मुंडा है नहीं है? पर ये मुंडा है की ता? मेरा मुंडा तो नहीं है। तुसी जाओ ना गल करो प्लीज। मेरा भी नहीं मेरा मुंडा है। मुंडा है जी महिंदर सिंह बरार दा। हाँ जी। पर मेरा मुंडा विक्रम किथे है? गुरलीन तेरे सामने खड़ी है विक्रम। मैं भी एले नहीं जाना चाहती। आज एक बारी फिर मना ले प्लीज।
किथे चले हो? हाले मैं बहुत दूर जाना, रील कढ़ानी आ, लखा लोग मूहरे स्टेज ते गाना आ। मन्या मेरा सुपना वड्डा आ, पर पूरे किते बिना मैं भी नहीं मरता। मेरा तो बस एको ही सुपना सी कि मेरी जिंदगी विच कोई चंगा जिहा मुंडा आवे जिदा लव स्टोरीज विच कुड़ी दी लाइफ चाहुंदा है। वह सुपना तो लगता अज पूरा हो ही जाएगा जी। तुसी चाहो तो थोड़ा सुपना आप दोवें रल के पूरा करिए। की सोच रहा? की पंगा ला बैठा? नहीं, फिर आज सोच रहा होगा कि मैं भी कपड़े नहीं पाए। कपड़े की फर्क पैंदा? फिर आज सोच रहा होगा कि सब कुछ इतनी छेती छेती हो गया है ना? नहीं, ये सोच रहा कि एक नाकामयाब बंदे की जिंदगी च भी कामयाब लव स्टोरी हो सकती। मेनु लगता है कि कुछ लव स्टोरी साढ़े हाथ विच नहीं होंगे। ओ स्वीट ते सोनिया लव स्टोरीज उत्तो रब दे हाथी लिखिया जाते हैं। साड़ी लव स्टोरी भी उसे रब ने लिखी थी। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਵਧੇ ਛੇਲੇ ਅਸੀਂ।